हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अतुल शर्मा, मनीष और अंजलि कुमारी, संदीप कुमार दे. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ओके, लास्ट क्लास में आप सबको मैंने क्या कराया था, सबसे पहले आप ये सब बता दीजिए. लास्ट क्लास में मैंने नेशनल इनकम शुरू करवाया था. आई थिंक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था. नेशनल इनकम में हमने लास्ट क्लास तक क्या किया था? फॉर्मूले पढ़े थे. फॉर्मूले पढ़े थे. गुड मॉर्निंग, फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में, कंप्लीट हो चुके थे. ओके, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर पेमेंट से. ओके, तो सबसे पहले नेशनल इनकम में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जीडीपी, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था ग्रॉस और नेट. फिर हमने क्या पढ़ा था? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करी थी. आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है ट्रांसफर पेमेंट से. ट्रांसफर पेमेंट यानी ये वो अमाउंट होता है जो कि वन साइडेड पेमेंट होता है. दैट अमाउंट जो कि एक साइडेड होता है, वन साइडेड होता है, और वन साइडेड होने के कारण नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट मींस ऑल दैट अमाउंट व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. वो सारे अमाउंट जो कि राष्ट्रीय आय को निकालने के समय उसमें जोड़े नहीं जाते हैं, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता. आपने अक्सर सुना हो, सरकार जो है लोगों की मदद करने के लिए, जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको उनकी बेरोजगारी में मदद करने के लिए उन्हें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ते देते हैं. वो हमारे लिए क्या है? ट्रांसफर पेमेंट. क्योंकि उस टाइम सरकार आपको वो पैसा दे रही है जो कि बिना काम के बदले में दे रही है, बिना काम के बदले में दे रही है, और इसीलिए वो नेशनल इनकम में जोड़ी नहीं जा सकती. यानी ऑल दोस पेमेंट्स विच आर वन साइडेड, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इट इज वन साइडेड पेमेंट एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेंशन. पेंशन भी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कंसिडर नहीं करी जाती है. पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट है जो कि नेशनल इनकम में कभी नहीं जोड़ा जा सकता. क्यों? क्योंकि पेंशन हमको तब मिल रही है जब हम कोई काम नहीं कर रहे. अरे, हमें जब काम कर रहे थे उसके बदले में जब हमको पेमेंट मिल रहा था, वो पेमेंट को हमने नेशनल इनकम में जोड़ा था. अब हम जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसा है जिसके बदले में हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है. यानी पेंशन, पेंशन हमारे लिए क्या है? एक ट्रांसफर पेमेंट है, बिकॉज इट इज वन साइडेड पेमेंट एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं विडो अलाउंसेस. भाई, सरकार जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बांटती है वैसे विडो अलाउंसेस से बांटती है. इट इज ऑल्सो अ नेशनल इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई भी तरीके का हमको स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप ये भी हमारे लिए क्या है? एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है जो कि हमारे लिए नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसफर पेमेंट. अब यहाँ पर इससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं. सबसे पहली चीज, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देर आर हाउ मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी, पूछा जा रहा है एक राष्ट्र में राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए लगभग कितने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. तो फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देर आर ओनली थ्री मेथड्स. तीन मेथड्स होते हैं जो कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है इनकम मेथड, हिंदी में कहते हैं आय का तरीका. दूसरे को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, हिंदी में कहते हैं खर्चों का तरीका. और तीसरे को हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद का तरीका. यानी यहां पर याद रखिएगा, इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी आंसर या ऑप्शन दिया जाए वो आपका आंसर होगा. क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कौन से तरीकों में ऐसा तरीका है जो कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाता. तीन ऑप्शंस आपके सामने दिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन. तो आपको याद रखना है कि
इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन जो भी है, जैसे कि सेविंग मेथड दे दिया गया, मैट्रिक्स मेथड दे दिया गया, तो ये वो तरीके हैं जो कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा गया नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, भारत की राष्ट्रीय आय को हम और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज एनएनपी एट एफसी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम भारत की राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं। कभी पूछा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी आपको क्या निकालने को कहा जा रहा है, आपको निकालने को कहा जा रहा है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया की सबसे पहली फर्स्ट नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किसने किया, तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय को निकाला था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी इनको जो है क्या कहते हैं, हम ये पहले पर्सन मानते हैं जिन्होंने भारतीय यानी राष्ट्रीय नेशनल आय को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, कभी पूछा जाए नेशनल इनकम का बेस ईयर क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का निकालने के लिए आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर, तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं बेस ईयर, तो वो बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है 2018, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है, तो बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम 2018। अब पूछा जाए आखिरकार नेशनल इनकम को निकालने के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो याद रखिएगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है भारत में राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो के लिए नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत ही कॉमनली यूज्ड हो और कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सबके सब, उसके बाद डन कह दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूं, नेशनल इनकम आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। रितिका शर्मा, सीएसओ का फुल फॉर्म, सीएसओ का फुल फॉर्म है बेटा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ललित बालियान, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या इज अ डिपार्टमेंट एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज वेल एज इन्फ्लेशन। राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति को निकालने के लिए जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ओके रश्मि राज, कोई बात नहीं, अब अगर अभी अभी आई हो एक बार ऐसा करिएगा कि अभी हम लोग की क्लास शुरू हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, एक बार 15 मिनट रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट अगर मैं रिपीट करूंगी तो फिर उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी जो कि ऑलरेडी हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर हुई भी तो आप मुझको नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल आंसर दूंगी, ठीक है। ये लिख लिया इतना, ओके डन हो गया, तो चलिए हम इसे रब कर देते हैं और आज की क्लास के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ओके चलो।
आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक से। ओके, गुड मॉर्निंग श्याम कुमार। चलिए, तो आज के क्लास का हम नेक्स्ट चैप्टर क्या उठाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, मांग और पूर्ति। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट सुन लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और उनका इक्विबिलियम कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसी के एक्सटेंशन की तरफ शिफ्ट होंगे, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच। फिर उसके बाद हम आखिरी में टाइप्स ऑफ गुड्स या टाइप्स ऑफ डिमांड के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड में हम मूवमेंट्स और एक्सटेंशंस को भी डिस्कस करेंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ डिमांड का, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी लेकर आता है, एंड अकेले सिर्फ ये यूनिट से एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन देखे गए हैं। तो चलिए हम डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिख दे रही हूं एक जगह लॉ ऑफ डिमांड, और मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगी ताकि आपको और समझने में आसानी हो कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में आखिरकार डिफरेंस क्या क्रिएट होता है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहले तो आपको ये सब बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी अर्थव्यवस्था में जो बाजार है, जो मार्केट है, वो हमेशा दो लोगों से मिलकर बनती है। दो लोग कौन होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो मार्केट का कोई मतलब ही नहीं है। भाई अगर हम बात करते हैं कोई खरीदने वाला है या कोई बेचने वाला है तो अभी तो हमारी बाजार फॉर्म होगी। तो जो खरीदने वाला है वो क्या सोचता है, बायर का नजरिया क्या है, कंज्यूमर का नजरिया क्या है। तो बायर का जो नजरिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा किसके नजरिए से होती है, बायर के नजरिए से होती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा याद रखिएगा सेलर के नजरिए से होती है। बेचने वाला क्या सोच रहा है वो लॉ ऑफ सप्लाई है, खरीदने वाला क्या सोच रहा है ये हमारे लिए क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किस चीज का इफेक्ट किस चीज पर बताती है, तो हमेशा याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड बताती है कि कोई भी वस्तु की अगर कीमत बदले, क्या बताती है, कोई भी वस्तु की अगर कीमत बदलती है तो उसका असर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर किस तरीके से पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। यानी किसी भी वस्तु का प्राइस बदल रहा है तो खरीदने वालों के नजरिए से उसका असर उसकी क्वांटिटी डिमांड पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड है। और वहीं पर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है उसी वस्तु की अगर कीमत बदलेगी तो उसका असर क्वांटिटी सप्लाइड पर किस तरीके से पड़ेगा, ये हमारे लिए क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पेन है और आप हो इस पेन के खरीदने वाले, मैं हूं इस पेन की बेचने वाली। इस पेन की कीमत बदलेगी तो असर हम दोनों पर होगा, बस फर्क क्या है, जो खरीदने वाला है उसका असर होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर, और जो बेचने वाला है उसका असर पड़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड पर। तो यहां पर याद रखिएगा इस प्राइस, इस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से इसका असर एक बायर यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड है। और उसी वस्तु में क्वांटिटी सप्लाइड यानी प्राइस चेंज होने का असर क्वांटिटी सप्लाइड पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये हमारे लिए क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई होती है। अब मेन पर शिफ्ट होते हैं, मेन पर शिफ्ट होते हैं, यानी अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड हमसे क्या कह रहा है। एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड हमसे कहता है कि मान लो कहा जाता है एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े, फॉर एग्जाम्पल इस पेन का प्राइस बढ़ता है, तो जैसे ही इस पेन का प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जो खरीदने वाला है, ठीक
जैसे आप लोग हैं, आप लोग इस पेन को खरीदना कम कर देते हो। ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट सुनी होगी, कोई चीज महंगी बिकेगी तो हम कम खरीदेंगे, सस्ती मिलेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे, बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। यानी अगर हमारे किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इस क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटेगी और प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, उसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर यह बात तो समझी जा सकती है कि खरीदने वाला उसे खरीदना कम कर देगा, लेकिन बेचने वालों के नजरिए से अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका असर उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पर पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज कर जाएगी। यानी इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, बायर के नजरिए से उसकी मांग कम हो जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सप्लायर यानी सेलर के नजरिए से उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक सेलर, एक बेचने वाला मैं हूं, मैं क्या सोच रही हूं कि अगर ये प्रोडक्ट महंगा होगा तो मेरा फायदा कब निकलेगा, जब हम मैं इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाजार पर बेचने की कोशिश करूंगी। मैं कौन हूं, सेलर, बस ये है लॉ ऑफ सप्लाई। यानी जैसे ही पढ़ा प्राइस बढ़ा, इसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्राइस घटा, इसकी क्वांटिटी सप्लाइड अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे, और यहां पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड पर कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरी समझिए, भाई बायर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये पेन है, बायर कह रहा है कि अगर इस पेन का प्राइस बढ़ा तो हम सब ने इसकी डिमांड को कम कर दिया, भाई हम तो कम खरीदेंगे। आप लोग कह रहे हो भाई महंगा बेच रहे हो ना, हम तो कम खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि अगर ये पेन महंगा हुआ तो मैं तो इस पेन को ज्यादा से ज्यादा बेचूंगी, क्योंकि फायदा मुझे तभी होगा। यानी पेन का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी सप्लाई मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसी से प्रॉफिट होगा। तो यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड घट रही है, लेकिन यहां पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसमें एक जो है सबसे बड़ा झगड़ा क्रिएट होता है, क्योंकि बायर कह रहा है हम तो भैया कम से कम खरीदेंगे, लेकिन सेलर कह रहा है हम तो ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। और इसीलिए इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में एक ऐसी पोजीशन डिटरमाइन करी जाती है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी प्राइस इक्विबिलियम, यानी कीमत संतुलन। प्राइस इक्विबिलियम कहता है एक ऐसा पॉइंट बायर और सेलर के बीच में डिटरमाइन किया जा रहा है, खरीदने वाला और बेचने वालों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है कीमत बढ़ने से या घटने से, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट अलग-अलग तरीके से आएगा। तो इन दोनों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में एक ऐसी कीमत डिटरमाइन करी जाती है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से क्या होते हैं, सैटिस्फाइड होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। तो इन दोनों का सेटिस्फैक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्राइस इक्विबिलियम कहते हैं, यानी कीमत संतुलन कहते हैं। यानी कीमत संतुलन यानी बायर और सेलर के बीच में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्राइस जहां पर ये दोनों एक दूसरे से संतुष्ट सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस इक्विबिलियम। और ये तब निकल के आता है जब डिमांड और सप्लाई मार्केट की क्या होगी, इक्वल होगी, यानी बराबर होगी। यानी व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लॉ ऑफ सप्लाई, जब लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एक दूसरे से बराबर हो, जब व्हेन बायर्स इज इक्वल टू सेलर, जब खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे से बराबर हो, तब हमेशा प्राइस इक्विबिलियम की कंडीशन निकल कर आती है। तो यहां तक मैंने आपको तीन पॉइंट्स अभी तक पढ़ाए हैं, ध्यान से सुनिएगा।
पहला पॉइंट पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा बायर के नजरिए से होता है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा किसके नजरिए से होता है? सेलर के नजरिए से। दूसरा कह रहा है कि उसी वस्तु का प्राइस चेंज होने से उसका असर क्वांटिटी डिमांड पर किस तरीके से पड़ता है, यह लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन वहीं पर उसी वस्तु का प्राइस चेंज होने का असर उसके क्वांटिटी सप्लाइड पर किस तरीके से पड़ता है, यह हमारे लिए क्या है? यह हमारे लिए लॉ ऑफ सप्लाई है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो कहेगा कि अगर कोई वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लेकिन वहीं पर क्वांटिटी सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब आता है इन दोनों का झगड़ा। तो इन दोनों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी पोजीशन डिटरमाइन करी गई है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से सेटिस्फाइड होते हैं, और उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी कीमत संतुलन। और ये तब निकल कर आएगा जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट अगर आप ये सोचे, क्या किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती या घटती है सिर्फ इस वजह से कि उसका प्राइस बढ़ ही रहा है या घट रहा है? यानी अगर मैं सिर्फ ऐसा कहूं कि सिर्फ अगर एक प्राइस बढ़ेगा किसी वस्तु का तब भी उसकी डिमांड कम होगी, क्या ऐसा सही है? नहीं। हम जानते हैं ये बात कि प्राइस के अलावा बाजार पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण उन वस्तु की डिमांड्स पर फर्क पड़ता है। प्राइस के अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे कि क्वालिटी। प्राइस अहम है, ये जानती हूं मैं, लेकिन प्राइस के अलावा क्या क्या अहम है? जैसे कि हम कोई वस्तु लेने जाते हैं तो कीमत के अलावा देखते हैं क्वालिटी। भाई किस क्वालिटी का है? क्वालिटी बहुत इफेक्ट डालता है। क्वालिटी के अलावा टेस्ट, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसका असर मेरी डिमांड पर बहुत पड़ता है। भाई किसी चीज की कीमत घटा दो, लेकिन मान लो मुझे वो चीज पसंद ही नहीं है, तो आप कोई जबरदस्ती तो मेरे ऊपर नहीं कर सकते ना। तो यानी आप अगर हम ये देखेंगे तो उस पे क्वांटिटी डिमांड पर जो भी असर आ रहा है, प्राइस के अलावा टेस्ट और प्रेफरेंस का भी आता है। फैशन का आता है, भाई किसी चीज का फैशन है डिमांड ज्यादा है, फैशन नहीं है डिमांड क्या हो गई? कम। भाई ये भी बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी नेसेसिटीज क्या है, हमारे जो है क्या चीज हमारी नेसेसिटीज है, क्या चीज हमारी लग्जरीज है, इसका असर भी बहुत पड़ता है। तो प्राइस के अलावा देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जो कि हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड पर असर डालते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को, उन अदर फैक्टर्स को हमने क्या किया? तो ये जो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड पर असर डाल रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी रुका हुआ, यानी स्थिर, यानी इग्नोर। यानी हम क्या जानते हैं, हम ये कहते हैं प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हमारे एक वस्तु की मांग पर असर डालते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है, हमें नजरअंदाज करना पड़ता है। अब बाकी सारी चीजों को अगर आप अपने फेवर में मानोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि मुझे टेस्ट पसंद है, आप ये मान लो वो चीज फैशन में भी है, आप ये मान लो कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर है, यानी सब कुछ आपके फेवर पर है, सब कुछ स्थिर है, सब कुछ कॉन्स्टेंट है, सब कुछ फेवर में आने के बाद अब बताओ कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो बायर उसकी डिमांड को क्या करेगा? तो ऑब्वियसली कम कर देगा। तो इस बीइंग अदर फैक्टर यानी बाकी सारी चीजों को स्थिर मानना, बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इस स्टेटमेंट को इकोनॉमिक्स में हम एक लैटिन वर्ड से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सिट्रस पेरिबस। अब यहां पर सबसे पहले जो सिट्रस पेरिबस है, क्या सिट्रस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिट्रस पेरिबस यानी बीइंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सिट्रस पेरिबस यानी बाकी सारी चीजों को हमें स्थिर मानना पड़ता है। यहीं पर शिफ्ट होते हैं फोर्थ पॉइंट पर इन लॉ ऑफ सप्लाई। सेलर कह रहा है जैसे कि बायर
के ऊपर सिर्फ प्राइस का नहीं, प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, जैसे क्वालिटी, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम जितने भी सेलर बेचने वाले बाजार पे मौजूद हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है प्राइस के अलावा। ना सिर्फ प्राइस बढ़ने से हम क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देते हैं, उसके अलावा भी क्वांटिटी सप्लाई पर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी रॉ मटेरियल कितना मौजूद है, टेक्नोलॉजी क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग्स क्या है, यानी इन सारी चीजों का असर क्वांटिटी सप्लाई पर पड़ता है। तो अगेन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, तो फिर से आप इन सारी चीजों को क्या मानकर चलो, इन सारी चीजों को कांस्टेंट मान के चलो, यानी रुका हुआ मान के चलो। और अगेन इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं सिट्रस पेरिबस। इसे हम क्या कहते हैं, सिट्रस पेरिबस, जो कि कौन सा वर्ड है, जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको मैंने यहां पर बताई है। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे बताइए, इन चारों में से भी किसी पॉइंट पर अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो यहीं पर पूछ लो, इंक्लूडिंग प्राइस इक्विबिलियम। फिर हम इनके ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैम कुड यू प्लीज इंक्लूड द प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन ऑल्सो इन अ टॉपिक। हाँ बिल्कुल, ये प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन के लिए अलग से सेशन ही चलेगा, मैं बात कर लूंगी। तो जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा तो उसके लिए जो है हम एक अलग से सेशन ही चलाएंगे, और चैप्टर वाइज मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का, तो डिमांड एंड सप्लाई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके हम अलग से सेशंस चलाएंगे। ठीक है, आपके लिए वो यूजफुल होगा। ओके मैम, प्राइस बढ़ेगा तो लोग बाय कम करेंगे और सप्लाई भी कम होगा। सप्लाई क्यों कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ओके, सिट्रस पेरिबस। बेटा सिट्रस पेरिबस एक लैटिन भाषा से लिया गया है। सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझो, सिट्रस पेरिबस इज अ लैटिन वर्ड, ये इंग्लिश नहीं है। और सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है सारी, बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इंग्लिश में जो ये स्टेटमेंट है इसको हम लैटिन में दो वर्ड से कहते हैं, सिट्रस पेरिबस। इसका मतलब ये है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ये चाहता है या जानता है कि सिर्फ कीमत का असर डिमांड और सप्लाई पर नहीं पड़ता, डिमांड और सप्लाई को बदलने के लिए कीमत के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम मान के क्या चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, रुका हुआ मान के चलते हैं। एंड दीस बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट वाली जो थिंग है, इसे हम लैटिन में क्या कहते हैं, सिट्रस पेरिबस के नाम से जानते हैं। आई होप सो यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपको। मैम अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, ये समझ नहीं आया। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक सेलर का प्रॉफिट तभी है जब वो बढ़ी हुई कीमत पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाकर बाजार पर बेचने का काम करे। और जब एक सेलर है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए सोचेगा, और इसीलिए वो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ग्राफ बना लें और ग्राफ समझते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ, लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ और प्राइस इक्विबिलियम का ग्राफ। इसे रब कर देनी हूं मैं। चलिए ग्राफ्स की बात करते हैं। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और हम यहां पर बात करते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम। परफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस इक्विलिब्रियम। अब यहां पर सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, ये कॉमन सी चीज है, ये आप सब जानते होंगे मेरे हिसाब से, ये कौन सा एक्सेस है, दिस इज, ये हमारे लिए कौन सा एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये हमारे लिए कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी वेरिएबल फैक्टर है, यानी जिसका असर डिमांड या सप्लाई पर समझाने की कोशिश करी जा रही है, दैट वन मेन फैक्टर
दैट वन फैक्टर हमेशा शो किया जाएगा कहां पर, वाई एक्सिस पर शो किया जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड पर। क्वांटिटी डिमांड का असर जो समझाया जा रहा है वो किसके रिलेशन से समझाया जा रहा है, प्राइस के रिलेशन से। तो प्राइस यानी कीमत वो फैक्टर है जो कि हमारे लिए क्या है, फर्स्ट, जो कि हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर है, बदलने वाला फैक्टर है। और इसीलिए प्राइस को हम कहाँ शो करेंगे, वाई एक्सेस पर। फिर जो बचा उसे हम कहाँ शो करेंगे, उसे हम एक्स एक्सेस पर शो करेंगे। ठीक है, तो प्राइस हमारे लिए वाई एक्सेस में है और क्वांटिटी डिमांड हमारे लिए कहाँ पर है, एक्स एक्सेस पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटे से कंटेक्स्ट की। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर छोटा सा बना दे रही हूं। मान लीजिए एक वस्तु 100 रुपए की बिक रही है और ये मान लीजिए उसकी डिमांड इस टाइम 4000 यूनिट की है। एक वस्तु 100 रुपए की बिकने पर उसकी डिमांड कितनी है, 4000 है। वही वस्तु 100 की जगह अब 200 में बिक रही है, मान लो उसकी डिमांड घटकर 3000 हो गई। फिर वो वस्तु 300 की बिकने पर उसकी डिमांड 2000 हो गई। और फाइनली अगर वो वस्तु बिक रही है 400 पर, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 1000। ठीक है, तो इस छोटे से को हम ग्राफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेंगे। यहां पर लिख लिया मैंने 100, 200, 300 और यहां पर क्या लिख लिया, 400। इसी तरीके से यहां पर लिख लेंगे 1000, 2000, 3000 और यहां पर क्या लिख लिया हमने, 4000। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है तो उसकी डिमांड कितनी है, 4000 की। ठीक है, 100 रुपए का बिक रहा है, डिमांड कितनी की है, 4000। यानी सबसे पहले तो हम यहां पर थे इस पॉइंट पर, परफेक्ट है। वही प्रोडक्ट बढ़कर 200 में हो गया, डिमांड कम होकर कितनी हो गई, 3000। अब हम यहां पहुंच गए। वही 300 में बिका, उसकी डिमांड कम होकर कितनी हो गई, 2000। अब हम यहां पर आ गए। और फाइनली 400 में बिक रहा है तो उसकी डिमांड कम होते होते कितनी हो गई, 1000। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, इन चारों पॉइंट्स को अगर हम एक कर्व से, एक ग्राफ से जोड़ दें, तो ये जो कर्व है हमारे लिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व, जो कि हमेशा कैसा होगा, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। किधर से किधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आप सब मुझसे हमेशा पूछते हो। आप लोग पूछना शुरू करो, उससे पहले मैं ही आपसे पूछ लेती हूं। भाई अगर ये वाला ग्राफ आप लेफ्ट से देख रहे हो, आप सब अपने लेफ्ट से देखो, मेरे लेफ्ट से नहीं, अपने लेफ्ट से देखो। आप सब अगर अपने लेफ्ट से देखोगे तो ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बिल्कुल सही बात है, जो मैं समझा रही हूं बिल्कुल परफेक्ट समझा रही हूं। लेकिन यहां पर मुझसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मैम मान लो मैं यहां खड़ा हूं राइट पे, मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं यहां राइट पर खड़ा हूं, और मैं राइट पर खड़े होकर अब ये देख रहा हूं कि ये जो कर्व है ये राइट से तो अपवर्ड स्लोपिंग है ना, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड स्लोपिंग है और लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो मैम आप जो है ग्राफ की रीडिंग लेफ्ट से क्यों कर रहे हो, आप तो ग्राफ की रीडिंग राइट से भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हमने क्यों ग्राफ की रीडिंग लेफ्ट से करी और क्यों ग्राफ की रीडिंग राइट से करी। तो इसमें संदीप कुमार दे का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने काफी पहले दे रखी थी वही आंसर है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी हम यहां पर ये मान रहे हैं कि भाई हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो कहाँ है, लेफ्ट में, 0000, 2000, 3000, 4000। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम रीडिंग भी तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, और जब रीडिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है, अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई, गुड। लेकिन आप बच्चे स्टूपिडली मुझसे क्या पूछते हैं, मैम कोई बात नहीं, मैम मैं ग्राफ कर्व ऐसे बना दूं तो, ग्राफ अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो आप ये सब जानते हैं ना कि हमेशा हम लेफ्ट से ही ग्राफ बनाएंगे, हम ऐसे ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि हमने हमेशा चार क्वाड्रेंट पढ़ रखे हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है सॉरी थर्ड, और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। भाई यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है। हमें चाहिए वो पोजीशंस जहां पर दोनों जगह हम पॉजिटिव पोजीशन रख सके, जो कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तभी इसी क्वाड्रेंट पर ही हमने ग्राफ बनाया है, ये है ग्राफ।
अगर हम इनमें से किसी भी क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनाते हैं तो कोई ना कोई चीज नेगेटिव में आएगी, या प्राइस नेगेटिव में होगा या क्वांटिटी डिमांडेड। और आप जानते हैं ना तो प्राइस नेगेटिव हो सकता है ना ही क्वांटिटी डिमांडेड नेगेटिव हो सकता है। तो बिकॉज वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, रीड फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ वी रीड लेफ्ट टू राइट देन लॉ ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? आई होप सो यहां तक क्लियर है। इस ग्राफ में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे प्लीज पूछ लो। कोई डाउट किसी को? हाँ जी ओके, कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व बनाते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और किसका रिलेशन है क्वांटिटी सप्लाइड का? प्राइस का किससे रिलेशन है? क्वांटिटी सप्लाइड से रिलेशनशिप है। बढ़िया, तो अब यहां पर देखिए जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, मान लो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 1000 की। 100 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड कितने की? 1000 की। 100 की जगह प्रोडक्ट मिल रहा है अब 200 का, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़कर कितनी हो गई? 2000। 300 के बिकने में कितनी हो गई? 3000। और अगर प्रोडक्ट 400 का बिक रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़कर कितनी हो गई? 4000। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड 1000 है, 200 का 2000, 300 में 3000, और फाइनली अगर प्रोडक्ट 400 बिक रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने की है? 4000 की है। अब इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन सेम लॉजिक लगाकर चलना है, क्वांटिटी सप्लाइड इधर हो जाएगा, प्राइस इधर हो जाएगा। 4 पॉइंट्स लिख लेती हूं मैं, 100, 200, 300 और 400। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड 1000, 2000, 3000 और 4000। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा था, क्वांटिटी सप्लाइड थी 1000 रुपए, फिलहाल हम यहां पर थे। ठीक है, अब उसके बाद 200 का प्रोडक्ट बिकने पर क्वांटिटी सप्लाइड है 2000, यानी अब हम यहां पर आ गए। इसी तरीके से 300 का बिकने पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 3000, अब हम यहां पर आ गए। फाइनली 400 का बिक रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? 4000, यानी अब हम यहां पर आ गए। अब ये चारों पॉइंट्स को अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया तो अब ये जो कर्व है हमारे लिए, ये कर्व हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व है, जो कि कैसा है? एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये हमारे लिए कौन सा कर्व है? लॉ ऑफ सप्लाई का, दैट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। किधर से किधर की तरफ? लेफ्ट से राइट की तरफ। आई होप सो यहां तक कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट्स, गुड। अब हम प्राइस इक्विबिलियम का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइस इक्विबिलियम के ग्राफ में अब हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से क्या होगी? इक्वल। और डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होने का एक पोजीशन होता है जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। और ये दोनों ग्राफ क्योंकि अलग अलग बना दिया है तो अब इन दोनों ग्राफ को मैं एक में मर्ज कर रही हूं। ठीक है, अब यहां पर तो एज यूजुअल हम प्राइस ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां भी प्राइस है, यहां भी प्राइस है, तो फॉर श्योर यहां पर भी क्या होगा? प्राइस होगा। यहां पर बेटा क्वांटिटी डिमांड है, ध्यान से देखो, और यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड है। तो यहां पर हम सिर्फ वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी, ना डिमांड ना सप्लाई, बिकॉज वी वॉन्ट अ पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इक्वल हो, यानी बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक लाइन से शो करते हैं। चलिए यहां पर हम डिमांड प्राइस, ये कौन सा कर्व है? ये हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये कौन सा कर्व है? ये हमारे लिए लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी यहां पर मैंने आपको सिखाया। तो अब ये जो पॉइंट है, इनका जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? प्राइस इक्विबिलियम की कंडीशन। प्राइस इक्विबिलियम कब निकलेगा? जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। ठीक है, ओके, तो अब एक बार इसे नोट डाउन करिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए।
हेलो सर। ओके हो गया। ओके चलिए, तो ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया। अब जरा सा मैं आपसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि काफी पूछा जाता है, ठीक है? काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये पता होना चाहिए प्राइस इक्विलिब्रियम आखिरकार निकाला कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, आंसर आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिमांड इफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज डी इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 17 P एंड सप्लाई इज एस इज इक्वल टू 50,000 प्लस 8 P, फाइंड प्राइस इक्विलिब्रियम। चलिए निकालिए। मैंने दिया है, अगर एक वस्तु की, हिंदी में वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर एक वस्तु की मांग का कर्व डी इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 17 P है, और उसका सप्लाई का कर्व 50,000 प्लस 8 P है, तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु का प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है मैम, लॉ ऑफ डिमांड कर्व्स ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, और शिवम रंजन का सबसे पहला और सबसे सही आंसर है, और आंसर कितना है? 2,000। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए बाकी मैं टाइम दे रही हूं 1-2 मिनट का, जल्दी से निकाल लीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया। ओके, कैसे निकाला आप सबने? प्राइस इक्विलिब्रियम अराइजेस व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। प्राइस इक्विलिब्रियम तब आता है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से क्या होगा? इक्वल होगा। डिमांड कितना है? डिमांड है 1 लाख माइनस 17 P, और सप्लाई कितना है? सप्लाई 50,000 प्लस 8 P है। ठीक है, ट्रांसफर करो, ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू आ गई 2,000। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए प्राइस इक्विबीरियम यानी कीमत संतुलन की कंडीशन है। ठीक है, ओके परफेक्ट।
ओके, मूवमेंट एंड एक्सटेंशंस। हमने ये पढ़ना है कि भाई मूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कैसे होता है, व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, और किस पोजीशन पर होता है। दो डायग्राम मैं बना रही हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं, ध्यान से देखिए। एक है ए, चलो इसको मान लो ए ग्राफ, इसे मान लो बी। चलो मैं आपको पूछती हूँ, इसमें बताओ कौन सा मूवमेंट और कौन सा एक्सटेंशन है। इतना तो बता ही सकते हैं, इसमें से कौन सा मूवमेंट है और कौन सा एक्सटेंशन है। ए इज मूवमेंट, बी इज एक्सटेंशन, और बी इज मूवमेंट एंड ए इज एक्सटेंशन। सिर्फ इतना क्लासिफाई करो, विच इज मूवमेंट एंड विच इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। हाँ जी, ओके, बी इज मूवमेंट, बढ़िया, एंड ए इज एक्सटेंशन, बढ़िया, बहुत अच्छा। ए इज एक्सटेंशन एंड बी इज मूवमेंट, परफेक्ट। ये है एक्सटेंशन और ये है मूवमेंट। हमेशा याद रखिएगा, व्हेन अ डिमांड कर्व शिफ्ट्स ऑन इट्स ओन, यानी उसी डिमांड कर्व में बदलाव हो रहा है, ये है डिमांड कर्व। यही ऊपर और यही नीचे हो रहा है, यानी विदाउट मूविंग लेफ्ट और राइट, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्सटेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। एक्सटेंशन यानी यहां अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा, जो कि मेन होता है। जब वस्तु की कीमत का असर डिमांड पे पड़ेगा, सिट्रस पेरिबस मानते हुए। सिट्रस पेरिबस यानी बीइंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सारी अन्य चीजों को स्थिर मानते हुए, जब प्राइस का असर क्वांटिटी डिमांड पर पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, मूवमेंट्स एंड सॉरी, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें एक्सटेंशन वो कंडीशन है जहां प्राइस घटने से डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है एक्सटेंशन, यानी जब हमारे लिए बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, नो, ये है एक्सटेंशन, या प्राइस घटने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर हमारा देखो, यहाँ प्राइस जो है अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सटेंशन। सॉरी, इसको, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, एक्सटेंशन ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी इसे। ओ सॉरी, फिर से बना दे रही हूं मैं एक्सटेंशन। ओके,
मैं आपको बताने थी, ये है हमारे लिए एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए तब होगा जब प्राइस का असर क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, कोई बात नहीं, वो कंफ्यूजन मैं आपको अब पहले खुद देखूंगी फिर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो प्राइस का असर क्वांटिटी डिमांडेड पर किस तरीके से पड़ रहा है? अगर हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस चेंज होने पर बाकी सारे फैक्टर्स को स्थिर मानते हुए जब एक डिमांड कर्व उसी में शिफ्ट हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर है? अब मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट वो होगा जब ये जो डिमांड कर्व है, या तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर ये डिमांड कर्व हमारे लिए कहाँ होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये होगा हमारे लिए क्या? ये होगा हमारे लिए मूवमेंट। एंड मूवमेंट्स तब होगा जब प्राइस कांस्टेंट हो, यानी प्राइस नहीं बदल रहा हो, फिर यानी अदर फैक्टर्स, जो अदर बाकी के अन्य फैक्टर हैं, जैसे मौसम हो गया, ठीक है, जैसे कि क्वालिटी हो गया, जैसे कि टेस्ट हो गया, जैसे कि प्रेफरेंस हो गया, जैसे कि फैशन हो गया, जब अदर फैक्टर का असर क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा तब हमेशा मूवमेंट्स होते हैं, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। लेकिन जब प्राइस का असर क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा तब मूवमेंट्स नहीं होते, उसी में शिफ्टिंग होती है, वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां पर इसको आप लिख लीजिए, प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। ओके, यहां पर तो क्लियर है, राइट वर्ड तब शिफ्ट हो जाएगा जब डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। राइट वर्ड तो तभी शिफ्ट होगा जब हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस स्थिर रहेगा अपनी जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बना देती हूँ ये, ठीक है, प्राइस अपनी जगह है लेकिन अब की बार डिमांड बढ़ रही है, D1 से D2 शिफ्ट हुआ। ठीक है, प्राइस वही था लेकिन डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि डिमांड पर हमने और भी चीजों का असर देखा, जैसे क्वालिटी हो गया, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, D1 D2। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं एक्सटेंशन देख लेती हूँ फिर। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, ओके, मैं जो बता रही थी वो ठीक था। एक्सटेंशन तब है जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी तो ये जो है ये है एक्सटेंशन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन तब अराइज होगा जब प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, यानी दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, अब इसे लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी तब आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। चाय, ओके, लिखने के बाद एक बार डन जरूर कह दीजिएगा।
ओके ओके अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बहुत भर के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे, मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन हिंदी इट इज नोन एज मांग की लोच। हिंदी में कहते हैं कि इसको मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले तो इस वर्ड को नोटिस करो, इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मींस क्या होता है? तो इलास्टिसिटी मींस होता है सिंपली फ्लेक्सीबिलिटी, खिंचाव। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शुरू करने से पहले हम पहले तो एक बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको आइडिया देती हूँ कि इलास्टिसिटी आखिरकार ये है क्या, पढ़ने क्या वाले। इलास्टिसिटी को हम बेसिकली एक्सटेंशन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। अब तक जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, या मैंने आपको जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमांड का ही एक्सटेंशन माना जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखो क्या पढ़ा। अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में इतनी सी चीज पढ़ी कि अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी का एक्सटेंशन है। यानी यहां पर हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि एक वस्तु का प्राइस कितना बढ़ने के कारण उसकी डिमांड कितनी गिरी है, या एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना कम होने के कारण डिमांड कितनी बढ़ी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। यानी प्राइस कितना बढ़ने के कारण डिमांड कितनी गिरी है। वर्ड देखो क्या जुड़ रहा है, कितना कितना, यानी हम फ्लेक्सिबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मान लो, इस पेन का प्राइस 50 रुपए बढ़ गया, 50 रुपए, या परसेंटेज में बात कर लो तो मान लो इस पेन का प्राइस 50% बढ़ गया। ठीक है, 50% अगर इस पेन का प्राइस बढ़ा तो अब तक आप सिर्फ क्या आंसर दे सकते हो? अब तक आप इसका आंसर दे सकते हो, मैम मैं जानता हूं इसकी डिमांड गिरी होगी। ठीक है, यही आंसर दे सकते हैं हम। इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद आप ये बताना शुरू कर दोगे कि मैम इस पेन का प्राइस 50% बढ़ने के कारण इसकी डिमांड कितना परसेंट से नीचे गिरी होगी? क्या 50% से ज्यादा गिरी होगी, 50% से कम गिरी होगी, या इक्वल गिरी होगी? यानी प्राइस कितना बढ़ने के कारण डिमांड में कितना बदलाव हो रहा है, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलेशनशिप इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम फॉर्मूले की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कीमत में कितना परसेंट चेंज आने के कारण डिमांड पर कितना परसेंट चेंज आ रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है। अब इसके अलावा क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इन्हीं पर चेंज करूंगी। देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला लिखूंगी, फिर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, D1 - D। ओरिजिनल डिमांड जो डी है उसे D1, यानी आफ्टर चेंज जो है D1, न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, ये हो गया। अपॉन इसी तरीके से नीचे लिख लो, P1 - P अपॉन P * 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहां पर देखो 100 100 कटा। ठीक है, अब तो यहां पर क्या आया, फिर यहां पर आया D1 - D। D1 - D को हम चेंज इन डिमांड लिख सकते हैं, ये जानते हो ना, ट्राइंगल इज डेल्टा एंड डेल्टा इज यूज्ड फॉर चेंज। तो चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, डिवाइडेड बाय P1 - P, यानी चेंज इन प्राइस
अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ये हुआ। अब यहां पर इसे और सॉल्व करो, चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। ये है हमारे लिए किसका फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। यानी एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा ये फॉर्मूला है। इन दोनों में से जो बेहतर फॉर्मूला होगा, जो इजीली इस्तेमाल करा जा सकता है, हम वो फॉर्मूले इस्तेमाल करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना नोट करो फिर मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड अपॉन प्राइस, यानी कीमत का बदलाव होने के कारण डिमांड पर किस तरीके का बदलाव आ रहा है, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आप ये इसको नोट डाउन करिए, नोट करने के बाद डन कह दीजिएगा। ओके हो गया, चलो सर अब कर देनी हूँ फिर मैं। ओके अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है क्या एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपए, और मान लीजिए इस प्राइस पर इसकी डिमांड है 1000 केजी की। ठीक है, इसमें हुआ ये कि प्राइस बढ़कर हो गया 150। जैसे ही प्राइस बढ़ा, अब यहां पर देखो जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही डिमांड मान लो कम होकर हो गई 750 केजी। अब आपको यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। फॉर इलास्टिसिटी वी हैव टू फॉर्मुलेस, इलास्टिसिटी के लिए हमारे पास दो फॉर्मुले हैं। एक तो हमने ये कहा सिंपल चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला इलास्टिसिटी का था चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। अगर इस क्वेश्चन का नेचर देखते हैं तो इस क्वेश्चन के नेचर से हमारा ये फॉर्मूला यूज करना हमको ज्यादा आसान पड़ेगा कंपैरेटिवली टू फर्स्ट फॉर्मूला। तो हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकेंड फॉर्मूले को यूज करने के लिए। अब सेकेंड फॉर्मूले को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। चलिए अब हम निकालते हैं चेंज इन डिमांड क्या है। देखो ध्यान से, 750, 1000 से 750 हुआ। अब यहां क्योंकि चेंज है तो माइनस और प्लस का तो कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज हमें चेंज ही निकालना है, तो चाहे घटे जाए बढ़े हम देखते हैं कितना चेंज हुआ। 1000 से 750 माइनस करो कितना हुआ, 250, ठीक है। अपॉन चेंज इन प्राइस, देखो चेंज इन प्राइस कितना है, 50 रुपए। ओरिजिनल प्राइस देखो, ओरिजिनल प्राइस हमारे लिए क्या है, ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपए। अब देखो यहां पर ओरिजिनल डिमांड, तो ओरिजिनल डिमांड हमारे लिए कितना हो गई, 1000। अब इसको सॉल्व करो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये आ गया 1/2, यानी ये आ गया 0.5। यानी इस केस में हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 0.5। अब 0.5 के आगे
कोई वैल्यू नहीं लगेगी। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देर इज नो वैल्यू फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमको सिर्फ इतना बता रहा है कि इसमें चेंज कितना है, ये किलोमीटर केजी रुपीज इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 0.5% भी नहीं, बिल्कुल नहीं, परसेंट तो कट गया, हट गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो 0.5 टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज गुड, या कह सकते हो 1:2 रेशियो में बोल सकते हो 1:2 फ्लेक्सिबिलिटी है। ये है हमारे लिए क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं रब कर देती हूं। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम सिचुएशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देयर आर 5 सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मांग के लोच की बात करते हैं तो मांग के लोच की 5 स्थितियां होती हैं, 5 सिचुएशंस। अब वो 5 सिचुएशंस है जो सीजीएल क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो उसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसके किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो इनकी वैल्यूज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे 5 सिचुएशंस पर, ठीक है। ओके, इसे हम रब कर दे रहे हैं फिर। ओके, सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की स्थिति, तो 5 स्थिति है मांग की लोच की। सबसे पहली स्थिति को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हिंदी में कहेंगे पूरी तरीके से लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पूरी तरीके से लोचदार मांग क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमसे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमसे कहता है एक वस्तु का प्राइस इतना माइनर सा बदल रहा है, एक वस्तु का प्राइस इतना हल्का सा, इतना माइनर सा बदल रहा है कि आम जिंदगी में इस माइनर से चेंज को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर मानते हैं। एक प्रोडक्ट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर बदल रहा है, जीरो के बराबर, मतलब बहुत माइनर सा, नॉट कंसिडरेबल चेंज, माइनर सा चेंज हो रहा है। उस वस्तु के प्राइस पर इतना माइनर सा चेंज होने के कारण उसकी डिमांड पर जब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तौर से बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है, तब उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहा गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ने कहा जब एक वस्तु का प्राइस इतना माइनर सा, इतना हल्का सा बदल रहा है कि इतने माइनर से चेंज को हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मानते हैं, जीरो के बराबर। इतना माइनर सा चेंज होने के कारण जब उसकी डिमांड पे बदलाव इनफाइनाइट तौर से हो रहा है, तब वो प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरीके से लोचदार मांग का एग्जाम्पल। अब यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बार फॉर्मूला याद करो, क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं बार बार कह रही हूं प्राइस में कैसा चेंज होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो यानी माइनर, और डिमांड पर इनफाइनाइट। अच्छा एक बार रख के देखो, अगर इस फॉर्मूले में हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को जीरो पुट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैंने जीरो रख दिया। अब मुझे बताओ एनीथिंग अपॉन जीरो, ऊपर कुछ भी रखो, ऊपर कुछ भी रखो, नीचे जीरो रखो, किसके बराबर आएगा, इनफाइनाइट के बराबर आएगा। इसीलिए यहां पर जब कभी भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आएगी, इनफाइनाइट के बराबर आएगी, यानी असीमित के बराबर आएगी, ठीक है। आई होप सो आपको यहां तक सब क्लियर हो चुका होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के 3 पॉइंट्स हैं, प्राइस बहुत माइनर सा अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज हो रहा है, डिमांड इनफाइनाइट के बराबर यानी असीमित के बराबर बदलाव होगा,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब प्राइस माइनर सा चेंज हो रहा है और यहाँ डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन प्राइस को अप्रोक्सीमेटली जीरो रखेंगे तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमेशा मांग की लोच इनफाइनाइट के बराबर होगी। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक छोटा सा मैं एक डेमो एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है ए, कहा जा रहा है मान लो वो प्रोडक्ट 50 रुपए का है, अब उस पर माइनर सा चेंज कर दो। 50 रुपए का प्रोडक्ट है, बिल्कुल माइनर सा चेंज करो, मान लो 1 रुपए चेंज हो गया, 1 रुपए नेग्लिजिबल चेंज है 50 रुपए के लिए। कहा जा रहा है 50 का प्रोडक्ट अगर 51 का हो जाए, सिर्फ 1 रुपए बढ़ जाए, 50 का प्रोडक्ट कितने का हो गया, 51 का, सिर्फ 1 रुपए बढ़ जाए। सिर्फ 1 रुपए बढ़ने की वजह से अगर मान लो इंडिया में हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दे, 1 रुपए माइनस सा प्राइस चेंज हुआ, हर कोई खरीदना छोड़ दे, तो यानी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो गया। या 50 रुपए का प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल 49 का हो जाए, 1 रुपए कम कर दो, सिर्फ 1 रुपए कम करने की वजह से मान लो इंडिया में हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, तब वो प्रोडक्ट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप सो यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो फिर इसका एग्जाम्पल बता दो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। किसी ने उससे कहा गोल्ड, शिवम रंजन, शिवन है या शिवम, शिवम रंजन, शिवम रंजन गोल्ड कैसे हो सकता है। अगर आप देखो गोल्ड कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस टाइम सोना, मान लीजिए, अच्छा कोई मुझे वैल्यू बताना शुरू ना कर देना, मान लो इस टाइम सोना 40,000 रुपए का है, ठीक है, मान लिया मैंने सोना कितने का मिल रहा है, 40,000 का, मान लो उसमें माइनस सा चेंज हो जाए 100 रुपए, 40,000 का सोना 40,100 का हो जाए, आपको क्या लगता है, सिर्फ 100 रुपए बढ़ने की वजह से इंडिया में हर कोई सोना खरीदना छोड़ देगा, यानी बेचारी जिस किसकी शादी होगी वो पोस्टपोन कर देगा, कहेगा बारात लेके तब आना जब 100 रुपए घट जाए सोना, ऐसा होएगा नहीं। सिर्फ 100 रुपए बढ़ने की वजह से हम कभी ये नहीं देखेंगे कि इनफाइनाइट तौर से गिरावट हो जाए, नहीं। आपका एग्जाम्पल तब सही हो सकता था जब मैं यहां पर वर्ड परफेक्ट शामिल नहीं करती। इलास्टिक, यस, गोल्ड की डिमांड इलास्टिक है, लोचदार है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। इसलिए गोल्ड इससे हटा दो, एलिमिनेट कर दो, गोल्ड परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता। और कोई, हाँ जी, और कोई, चलिए मैम इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, इमेजिनरी, अच्छा ठीक है, थ्रू पेन 10 से 9 रुपए हो जाए तो, संदीप कुमार दे, 10 रुपए का पेन 9 रुपए का बिकेगा, क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपए कम करने की वजह से क्या इंडिया में हर कोई पेन ही पेन खरीद रहा है, मतलब मार सबके सब पेन इनफाइनाइट तौर से डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। या 1 रुपए बढ़ने की वजह से इनफाइनाइट तौर से घट जाए, कतई नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो इसलिए क्योंकि भाई बाजार पर जितना भी दिमाग लगा ले आप सब, कितना भी दिमाग लगा ले आप, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठाकर ही नहीं ला सकते जिसमें एक दो, सिर्फ 1-2 रुपए बढ़ने की वजह से या तो इंडिया में हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दे, या तो इंडिया में हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, रियल लाइफ में इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लिख लीजिए यहां पर, ये पॉइंट्स लिख लीजिए जल्दी से। ओके, कंप्लीटेड, डन, परफेक्ट। चलिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने एक सिचुएशन तो आपको पढ़ा दी, कल की क्लास में हम इनके आगे की सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये सिचुएशंस प्लस इसके आगे की सिचुएशन और डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक को हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो अब हम कल की क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल की क्लास मिलते हैं। कोई डाउट है? कुछ डाउट है अभी फिलहाल? तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा इनका। ओके, कोई डाउट अभी तो फिलहाल इनका कोई नहीं दिख रहा, फिर भी मैं खड़ी हूं 5 मिनट तक। अगर कोई डाउट है इनका तो पूछ ले। ओके, नहीं होगा, कोई एग्जांपल नहीं होगा, नो डाउट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय।